मौसम परिवर्तन के साथ ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों में कुत्तों से काटने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कुत्ते काटने की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है। नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, इसके चलते कुत्ते काटने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बरसात का मौसम आते ही कुत्ते और सर्प काटने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कुत्ते के काटने के कारण अस्पताल में इंजेक्शन के 5 डोज दिए जाते हैं। इनके लिए समय सीमा तय होती है। शुरुआत के 3 इंजेक्शन अगर निश्चित समय में नहीं लगते तो मरीज के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। कुत्ते के काटने के बाद मरीज में इसका दुष्प्रभाव कब दिखाई देगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। मरीज कभी भी इस बीमारी के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए मरीज को शुरुआत के 3 इंजेक्शन लगवाने जरूरी हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भी इन दिनों कुत्ते के काटने के आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 50 से 60 मरीज प्रतिदिन इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधक की माने तो उनके पास अभी इंजेक्शन है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे इंजेक्शन की कमी होती देर नहीं लगेगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसकी कमी है, मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से मरीज रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इंजेक्शन की संख्या भी सीमित है, यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधक भी इसको लेकर चिंतित है और इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कई बार पत्र भी लिखा गया है। हालांकि इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया। रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। देखिए, कुत्तों के काटने से आने वाले मरीजों की संख्या में हमने लगातार हमेशा देखा है, अब कई वर्षों से हम देख रहे हैं उत्तरोत्तर बढ़त हो रही है। हमारे पास, मैं एक एवरेज की बात करूँ तो करीब करीब 50 से 60 व्यक्ति कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने के लिए हमारे पास आते हैं। बहुत सारे मरीजों को ये जानकारी नहीं होती कि सभी कुत्तों के काटने से इंजेक्शन नहीं लगना है, बस उनको कुत्ते ने काटा और वो इस डिमांड के साथ आ जाते हैं कि उनको इंजेक्शन लगना चाहिए। असल में जिस कुत्ते में रेबीज़ के लक्षण हों या संभावना हो, ऐसे कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति के अंदर ही इंजेक्शन लगने से कुछ ज़रूरत होती है या फ़ायदा होता है। समस्या ये है कि 50 से 60 व्यक्ति प्रतिदिन का आना एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इतने संख्या में नगर निगम सीमा के अंदर कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, तो इसमें समस्या के मूल जड़ की ओर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को लिखकर भी दिया है इस संबंध में कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको पकड़ने की व्यवस्था की तरफ कोई बहुत अच्छे से कदम, प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कुत्ते के काटने के मरीजों की संख्या में कमी हो सके। एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन वैसे तो पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं और हम लगाते भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंजेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसी सूरत में बहुत परेशानी का सबब बन जाता है वो हमले के लिए भी, फिर हम पूर्ति करते हैं उसकी। तो मेरा ये मानना है, हम आपको ये और भी जगहों से ये फीडबैक मिला होगा कि कुत्ते बहुत हैं। हम आप गली में निकल जाइए, रात में निकल जाइए तो 4-5 की संख्या में हर गली में कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे, दोपहिया के पीछे दौड़ने लगते हैं। समस्या ये है कि इनको निजात पाना हमारे नगर निगम का काम है। मेरी ये अपेक्षा है, मेरी ये प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इस दिशा में निश्चित रूप से कोई विचार करके प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस पर नियंत्रण पाया जाए।